ब्राइड के लिए हुडा ब्यूटी इज द बेस्ट फाउंडेशन क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है एंड आप ऑल स्किन के ऊपर कर सकते हो एंड आपको 100% कवरेज देता है। बट हमें यही नहीं पता है कि हमारी वैनिटी में कौन से 3 शेड होने चाहिए जिससे हम फेयर टू डस्की स्किन टोन के ऊपर काम कर सकते हैं एंड इंडियन स्किन टोन एंड अंडरटोन के हिसाब से कौन सा शेड परफेक्ट होता है जो हमारी वैनिटी में होना चाहिए। तो आज ये वीडियो में मैं हुडा ब्यूटी के ऐसे 3 सबसे अच्छे शेड्स बताने वाली हूँ जो आपके वैनिटी में होने चाहिए एंड जो आपको इंडियन स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन के हिसाब से परफेक्ट रहेंगे। सो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। सर यहाँ पर मेरे पास है हुडा ब्यूटी के 3 फाउंडेशन जो आपकी वैनिटी में होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा शेड फेयर स्किन के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है हुडा ब्यूटी का फेयर जिसका शेड नंबर है 250 नंबर का शेड जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो फेयर स्किन के लिए आपके वैनिटी में होना चाहिए एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शेड है एंड इसका जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल, वो आप हल्का सा वार्म अंडरटोन को भी कर सकते हो, हल्का सा कूल अंडरटोन को भी कर सकते हो। सो यहाँ पर जो फाउंडेशन हो वो है न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन। ज्यादातर इंडियन स्किन टोन में अंडरटोन 99% न्यूट्रल ही आता है। सो न्यूट्रल अंडरटोन के फाउंडेशन आपकी वैनिटी में रखने हैं। दूसरा यहाँ पर मेरे पास है हुडा ब्यूटी का मीडियम स्किन टोन का फाउंडेशन जिसका नंबर है 330 एंड ये भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको शेड भी दिखा देती हूँ जो बहुत ज्यादा अमेजिंग शेड है एंड आप देख सकते हो ये जो शेड है वो बहुत ही प्यारा है और ये भी आप मीडियम स्किन टोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन के साथ कर सकते हो। एंड तीसरा एंड सबसे अमेजिंग जो शेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब फाउंडेशन लेने जाते हैं तो जैसे ही हम डार्क स्किन टोन पे जाते हैं तो फाउंडेशन का शेड जो है वो वार्म चला जाता है, येल्लो फाउंडेशन हमारी वैनिटी में आता है। जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप जो है वो येल्लो दिखने लगता है। तो गाइज आज मैं आपको ऐसा न्यूट्रल अंडरटोन वाला फाउंडेशन बताने वाली हूँ जो हुडा ब्यूटी का है जिसका शेड नंबर है 410 नंबर। ये है न्यूट्रल अंडरटोन। ये करने के बाद आपका मेकअप बिल्कुल भी येल्लो नहीं दिखेगा, नेचुरल जैसा उनका स्किन टोन है वैसा ही दिखेगा। एंड ये जो शेड है वो आप एक्सट्रीम डस्की स्किन के ऊपर भी कर सकते हो इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। ये जो शेड है वो आप डार्क स्किन के ऊपर कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा शेड है एंड बिल्कुल भी येल्लो नहीं लग रहा है। यह न्यूट्रल एंड मेरी स्किन टोन के साथ भी बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है, आप देख सकते हो। सो ये 3 शेड अगर आपकी वैनिटी में है तो आप मीडियम से लेकर डस्की स्किन टोन कोई भी स्किन टोन पर काम कर सकते हो मिक्स मैच करके। तो ब्राइड अगर आपके पास आती है तो आपके पास हुडा ब्यूटी के ये 3 शेड होने चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।